Hey guys, welcome back to the channel. How are you? Also, welcome back to yet another Thara Nano video. And guys, मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है. कभी स्टीरियो खराब होता है, कभी टायर फटता है, फिर से दोबारा स्टीरियो खराब हो गया. And इस बार तो शायद एम्पलीफायर भी गया. आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, कोई नजर लगा रहा है. आई डोंट नो, एक्चुअली मैं इन बातों में बिलीव नहीं करता, बट यार अभी ये सब चीजें मेरे से मतलब बैक टू बैक हो रही हैं. याद है आपको थोड़े टाइम पहले पुंटो का एम्पलीफायर भी चल गया था, एंड उसके साथ साथ गाइस घर के एम्पलीफायर में भी इशू आया था. ऐसा कैसे हो सकता है यार, इतनी ज़्यादा मतलब मैं इस बातों में बड़ा से परेशान हो चुका हूँ. तो आज अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, कुछ टाइम पहले ही मैंने आपके साथ इसका वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैं इसको कंपनी से ठीक करवा के लाया था स्टेरियो को. सो जरा एक बार अंदर बैठते हैं गाइस इसके, एंड मैं आपको प्रॉब्लम जो है वो खुल के बताता हूँ कि है क्या प्रॉब्लम आखिर कार. सो ये मैं बैठ गया अंदर, लेट मी पुल आउट द की एंड स्टेरियो को मैं ज़रा ऑन कर दूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ. आवाज़ फिर से नहीं आ रही, एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम है, चल रहा है, कनेक्शन सब ले रहा है. एंड अगर मैं एम्प ऑन करता हूँ, पहले एम्प ऑन करने से क्या हो रहा था कि कंपोनेंट्स चल रहे थे, बहुत बढ़िया चल रहे थे, मज़ा आया था, लेकिन अब वो भी टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, कभी वो कभी वो. कॉमेडी सीन हो रहा है गाइस मेरे साथ, कॉमेडी सीन. कैन यू गाइस बिलीव इट? वेल, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तो आप लोगों को क्यों हो रहा है. सो इसको एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, हल्का फुल्का डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, बट मुझे पता है कि कनेक्शंस मेरे एकदम परफेक्ट हैं, तो प्रॉब्लम कनेक्शंस की है ही नहीं. एंड प्रॉब्लम क्या है, आई हैव नो क्लू. सो इसको सीधा जाके लेके जाएंगे सोनू भैया के पास, वहाँ जाके छोड़ देंगे, एंड वो अपना देखेंगे, एंड वो पक्का काम करके मुझे देंगे, क्योंकि कंपनी वाले तो गाइस पक्का काम नहीं कर पाए. ऑलराइट गाइस, सो ये है नानो की चाबी, बड़ी नॉर्मल सी, एंड ये है स्टीरियो. जरा मैं चाबी मारता हूँ एंड उसके बाद देखते हैं कि ये चलता है या नहीं. तो ये मैंने चाबी मार दी है, जरा ब्लोअर को ऑफ कर दें. एंड स्टीरियो, अच्छा मैंने इसको ऑफ करके रखा हुआ था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है किसी भी चारों में से किसी भी स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही. एंड ये कंपोनेंट जो कि एम्पलीफायर से कनेक्टेड है, वो भी बड़े बेकार तरीके से चल रहे हैं. सो चेक इट आउट, अभी ये ब्लूटूथ म्यूजिक पे है, मैं जरा इसको एफएम पे डालता हूँ, बिकॉज फोन अभी कनेक्टेड नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा एफएम कहाँ है. रेडियो, एंड ये देखो वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम फुल कर रहा हूँ इसकी. कितनी गई इस गई 40. एंड कैन यू हेयर एनीथिंग? नो. और अगर मैं अब एम्पलीफायर ऑन करूंगा गाइस, नॉट ऑन 40, बहुत ही अजीब चल रहा है, क्योंकि वो एक पे बहुत ही एक वियर्ड चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई. सो ये किया मैंने ऑन पॉन, अब देखते हैं क्या होता है. ये वाला बजेगा या दूसरा बजेगा, आई डोंट नो. हल्का फुल्का गाइस दोनों चल रहे हैं, सुनो. एंड वॉल्यूम इतनी ही ज्यादा है, अभी जस्ट वन पे है गाइस, अब मैं टू करता हूँ. सुनो यार, ये टू की वॉल्यूम सुनो, ये वाला बंद हो गया, अभी नहीं चालू है, कभी चल रहा है कभी बंद हो रहा है, दोनों वाइस हो क्या रहा है यार. ये देखो, आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू अबाउट इट. एक बार इसको बाहर निकालते हैं, इन सबकी वायरिंग में देख लेते हैं, फिर चलते हैं सोनू भैया के पास, क्योंकि ऐसे तो बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा. ऑलराइट गाइस, अपना स्टीरियो बाहर आ चुका है. ये देखो वायरिंग हार्नेस, एकदम प्रॉपर कनेक्टर्स यहाँ पे यूज किए हुए हैं, एकदम सेट है सारे के सारे. एंड ये दोनों वायर जो है हमारी आरसीए की, ये जाती है गाइस इस कंपोनेंट के लिए. एंड ये वाला जो है अभी है नहीं वहाँ पे कनेक्शन, पर वायरिंग पूरी डली हुई है. ये जाता है अपने गाइस सबवूफर के लिए, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सबवूफर. So everything is connected, but still this bad boy is not working. And I don't know कि amp का क्या issue है, gain उसमें बहुत ज़्यादा खुल गया है या क्या हुआ है. एक दो volume पे भी it's pretty loud. So वो उसको भी check कर लेते हैं अभी, जबकि उसे किसी ने छेड़ा तक नहीं, अंदर ही पड़ा हुआ है यहाँ सीट के नीचे, दिख रहा है, हाँ वो रहा पीछे. Alrighty guys, so फिर मैं जा रहा हूँ अब सोनू भैया के पास. तभी कुछ पता चलेगा कि हाँ भाई जिंदा है या मर गया. तो फटाफट से गाइस पहुंचते हैं वहां पे एंड देखते हैं कि क्या होता है आज. लो जी, आ गया है शालीमार बाग, जहाँ पे है सोनी भैया की इलेक्ट्रॉनिक शॉप. एग्जैक्टली कौन से ब्लॉक में ये मार्केट पड़ती है वो तो मुझे पता नहीं, यहाँ पे आपको मैं उनका नंबर ज़रूर दिखा दूंगा, सो उसमें से आप चेकआउट कर सकते हो. तो अभी आ जाएगा वीडियो के अंदर. सो ये आ गए भैया हमारे, सबसे पहले तो स्टीरियो को चेक ही करेंगे ऑब्वियसली बात है. एंड चेक करने के बाद उन्होंने खोल खाल के देखा, पीछे से देखा, साइड से देखा, हर जगह से देखा, पर कोई फायदा नहीं हुआ. तो ये है इनका नंबर, चेकआउट कर लेना. ऑलराइट गाइस, सो दे दिया है स्टीरियो सोनू भैया को, एंड अभी ये रिपेयर होके आएगा, एंड उसके बाद आई होप कि इस पे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं अभी कोई नया स्टीरियो लेने के बिल्कुल मैं मूड में नहीं हूँ. सो वेट करते हैं कल तक का, एंड उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ स्टीरियो की हुआ है कि नहीं हुआ है, आई डोंट नो, एंड देखते हैं और क्या कर सकते हैं. सो कल किया जाए.
Alright guys, so welcome to day after tomorrow. Actually, हाँ, दो दिन हो चुके हैं एंड अब मैं जानू गाइस, मेरी बात हो गई है सोनू भैया से. ये रही गाड़ी की चाबी एंड यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हो कि स्टेयर नहीं है. तो भैया के पास जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आ जा मेरे पास, हम चेक भी कर लेंगे एंड फिर फिटिंग कर देंगे एंड उसके बाद एम्प को देखते हैं. जो एम्प का एक चैनल कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, आयरन को स्विच का इशू है, चैनल का इशू है, क्या इशू है ये तो मुझे पता नहीं. सो गाइस फटाफट से पहुंचा जाए सोनू भैया के पास. Going to the Shalimar Bagh yet once again, guys. And जब वहाँ मैं पहुंचा तो obviously बात है ढेर सारी गाड़ियाँ थी, शाम का टाइम था, पार्किंग थोड़ी सी पीछे वाली साइड मिल गई. नानों का यही सबसे बड़ा फायदा है guys, फिट हो जाती है. तो यहाँ पे बस बैक साइड पे हूँ मैं इस टाइम एंड ये अब उनकी शॉप पे गए. वो पैक कर रहे थे स्टेरियो को, जो कि बहुत बढ़िया बात है. अभी स्टेज के अंदर गाइस मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मुझे देखना था कि स्टेरियो एकदम बढ़िया ओके हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा यू नो अच्छा अच्छा फील होता है. सो चला देखते हैं चला के. ये दोनों आप इसमें लगा दो बस, और कुछ है ही नहीं. लाल वाली लाल में डाल देना और उसमें इसमें डाल दो. और एम्प का क्या करना है फिर सीन के एम्प का? अभी चेक करो पहले. ये लो एम्प ऑन कर दिया. ये दो एक्स्ट्रा निकाली क्या तेरे? क्या कहानी आ सकती है इसके अंदर? कॉम्प्लिकेटेड है अंदर से क्या चिप पहुंचे भैया? पहले तो पेज वाज भी नहीं लगा रखे थे कंपनी वालों ने इसके. अच्छा बड़े ठीक है, बेकार है कंपनी वाले. तो चिप अच्छी है इसकी? वैसे आउटपुट है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे. जो पाइंगर वगैरह में होती है सेम ही है. अब एक काम करो ना, वायरिंग हारनेस भी रख लो अपने साथ एक बारी, उससे ज्यादा कौन लगाएगा? वो तो मैं लगा लूंगा. ये कनेक्टर लेके मैं सर, इजी काम है ये ना, इस टाइप के कनेक्टर. फिर वायरिंग के लिए ज्यादा गेम हो जाएगी ना, वैसे मुझे दिक्कत नहीं है, मैं आपको पता ही करता रहता हूँ. एक बार देख लूंगा मैं, एक बार और थोड़ी देर आधा घंटा चला के चेक कर लूंगा. हाँ आप अच्छी तरह एक बार करना ना, मुझे फिर बता देना ठीक है. चलो ओके भैया. मुझे लग ही रहा था गाइस इसमें कुछ गड़बड़ है. पहले एक थोड़ी सी हिसिंग की आवाज़ एफएम पे आई थी लेकिन जैसे ही ब्लूटूथ से कुछ भी सॉन्ग प्ले किया तो उसी टाइम ये फिर बंद हो गया. आई डोंट नो कि क्या लफड़ा है इस पर्टिकुलर स्टेरियो के अंदर. सो अब सोनू भैया ने फिर से देख लिया है, वो फिर से ले गए हैं. सो ऑब्वियसली बात है 3 दिन हो चुके हैं, कोई नहीं एक दिन और सही, कल पता चलेगी असली स्टोरी. सो चलो कल का वेट करते हैं अब, और कर भी कह सकते हैं यार. वेलकम टू येट अनदर डे फॉर द नैनो स्टीरियो गाइस. सो अभी मैं जा रहा हूँ फिर से सोनू भैया के पास एंड देखते हैं आज स्टीरियो का क्या हाल है. स्टीरियो भैया बता रहे थे कि रिपेयर वगैरह सब कुछ हो चुका है, उन्होंने आधा पौना घंटा चला के उसको टेस्ट आउट भी किया है. सो फिंगर्स क्रॉस्ड ठीक हो जाना चाहिए. सो जरा फटाफट से पहुंचा जाएगा इस वहां पे. सो लो जी गाइस पहुंच गए हैं सोनू भैया के पास फिर से एंड गाड़ी कहाँ लगाई जाए इस बारी? सोनू इलेक्ट्रॉनिक्स. नहीं बाकी तो आरसी हैं, वो तो पहले भी चल ही रहे थे. आवाज तो आ गई बट लग रहा है कि इस वाले स्पीकर के अंदर नहीं आ रही है. सो काफी ज्यादा इसको तोड़ मरोड़ने के बाद भी यही रीजन था कि इसके अंदर नहीं आ रही है. सो सोनू भैया ने अपनी शॉप पे फिर से स्टेरियो को जाके खोल डाला एंड खोलने के बाद कुछ अंदर का नजारा कुछ ऐसा था. काफ़ी ज़्यादा सर्किटरी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है बट इन एनी केस पता नहीं चल रहा कि क्या रीज़न था. तो अब ये तो भैया ही बताएंगे, मेरे ऊपर की चीज़ें हैं ये. वापस से पैक तो हो गया, अब चला के देखते हैं यार ज़रा. Alright guys, अब मैं इसे दोबारा से करवा के लाया हूँ. I don't know, इसका एक चैनल नहीं चल रहा था ये वाला, बाकी ये एंड पीछे के दोनों चैनल्स were working absolutely fine. So अभी वापस से उन्होंने मुझे ठीक करके दिया है इसे एंड फिर से वायरिंग हारनेस को मैंने कनेक्ट कर दिया है. एक बार अच्छे तरीके से कर दिया, सारे कनेक्शन आप देख ही सकते हो ये टेप्ड है क्योंकि ये कनेक्टर में इतनी जान नहीं है, यहाँ से लोड आता है तो ये पिघल जाता है. सो टेप ट्विस्ट एंड टेप इज द बेस्ट बेट हियर. बाकी सारे स्पीकर्स के कनेक्शन रेडी हैं, ये RCAs यहाँ पे लटक गए हैं तो इन्हें यहाँ से खींच के डालूंगा. एंड ये जो वायर्स आप देख रहे हो गाइस इनकी टेंशन मत लेना, इनको यहाँ पे पीछे केबल टाई से बांधना पड़ता है. सो अभी खोलने के लिए ऑब्वियसली बात है केबल टाई को तोड़ना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा हासिल लगता है मुझे. और बाकी सारी वायर्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी हैं. सो जस्ट अब इस वायरिंग हार्नेस को, ये जो कनेक्टर है हमारा, इसको इसके साथ जोड़ना है एंड आई होप कि सारे के सारे चैनल्स चल जाए सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से. बाकी सब कुछ इसको फिट कर देंगे, यहाँ पे मजा आ जाएगा. एंड ये एम्पलीफायर के लिए स्विच है, एम्पलीफायर के ये RCAs हैं हमारे कंपोनेंट्स के लिए एंड ये वाला है गाइस सबवूफर के लिए, बट अभी अनफॉर्चुनेटली सबवूफर है नहीं इसके अंदर. सो जरा इसको कनेक्ट करते हैं. सारा कुछ गाइस कनेक्ट हो गया है. सो बारी है स्टीरियो को वापस से इसके हाउसिंग में अंदर डालने की एंड उसके बाद इग्निशन से इसको ऑन करते हैं एंड अब जरा रेडियो को ऑन करके देखते हैं. आई होप कि सारे चैनल एकदम बढ़िया तरीके से चल जाएं. हल्की सी आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई है, जरा सुनते हैं अब ध्यान से.
चीज हो कि गाइस उम्मीद तो दिख रही है, सो मैंने सोनी भैया को एम्पलीफायर भी दे दिया है, इसकी सर्विसिंग वगैरह करवा लेते हैं और बाकी स्टीरियो चला लेते हैं। फाइनली गाइस, फाइनली 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 स्टीरियो हैज बीन फिक्स्ड एंड आई होप कि जैसे कंपनी से ठीक करवाया था तो सिर्फ मैं कहते 10-12 दिन चला होगा, वो भी मुझे एक्जैक्टली याद नहीं क्योंकि मैं गाड़ी उस टाइम पे कम ही चला रहा था एंड एक दिन पता लगा कि भैया स्टीरियो भी नहीं चल रहा। सो यहाँ पे आई होप कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर से भैया सोनू भैया को पकड़ेंगे एंड उन्हें स्टीरियो जाके दे देंगे और कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने वाले यार, बार बार थोड़ी थोड़ी सी वारंटी तो होती है, एक महीने की तो होनी चाहिए ना। एंड आप लोगों ने देखा मैंने एम्पलीफायर भी सोनू भैया को दे दिया है क्योंकि उसके अंदर भी थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम सी लग रही थी उसके स्विचेस में, एक्चुअली इट नीड सर्विसिंग। मिट्टी आपको पता है ये पैरों में पड़ा है तो वहां पे मिट्टी आती है, तो मिट्टी से ही से स्विच वगैरह खराब हो जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम है कि मैंने भैया को सर्विसिंग के लिए दे दिया है, कल या परसों वो मिलेगा, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूं या क्या दूं, आई डोंट नो, समझ नहीं आ रहा। बाकी ये स्टेरियो ने तो खैर मेरी जान ही ले ली थी एंड आई होप कि स्टेरियो एकदम ओके चले अब बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आए तो तभी मजा आएगा राइट। तो That's it for this particular video guys, I know ये थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि यार अब क्या करें, मुझे लगा था एक दिन में ठीक हो जाएगा बट इतने लंबे सिनेरियो के बाद वो ठीक हुआ है, सो कुछ कर नहीं सकते ना राइट उसका। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइस अगर नए हो मेरे चैनल पे सो कार ऑडियो रिलेटेड तो बहुत कुछ है ये चैनल पे, सो वो भी देख लेना, प्लेलिस्ट आपको पूरी मिलेगी। टाटा नैनो रिलेटेड भी बहुत कुछ है चैनल पे, फिर गांडे पुंडो रिलेटेड भी है एंड एनक्लोजर्स रिलेटेड भी है, बूम बॉक्स रिलेटेड भी काफी कुछ है यार, तो देख लेना एक बार, आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड गाइस मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन, टेक केयर गाइस, मास्क पहन के रखना, बाकी शीशा बंद है सो दैट इज व्हाई थोड़ा सा डार्क है यार, थोड़ी घुटन सी हो जाती है इससे, सो इन केस बाय, टेक केयर, सी यू गाइस।